गुड इवनिंग फ्रेंड्स. गुड इवनिंग. ऑकल्ट रिसर्च चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था और आपको बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड प्रिडिक्शंस के ऊपर, तो उसी सेगमेंट में आज हम आपके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप ही के दिए हुए टॉपिक के ऊपर ही आधारित है. तो आप जानना चाह रहे थे कि ये अगस्त के महीने से, इस साल के अगस्त के महीने से 2022 के अगस्त के महीने, यानी टोटल एक साल का सिनेरियो क्या रहेगा वर्ल्ड के ऊपर, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली. तो देखते हैं पहले क्या शो करता है, क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है कोविड-19. तो हम लोग उसके ऊपर, अभी कोविड की मार तो सभी देशों के ऊपर पड़ी है, थ्रू आउट वर्ल्ड पड़ी है, तो उसके ऊपर देखेंगे कि क्या शो कर रहा है ये, एक साल में क्या चेंजेस आएंगे. तो देवी प्रसाद मिश्रा एस्ट्रोलॉजर हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल में है, तो वो बताएंगे कि कैसा रहेगा. देखिए, मैंने हॉरोस्कोप निकाला है. जब क्वेश्चन आया था July 28, 2021, 6:50 PM को, तो प्लैनेटरी कंडीशन के हिसाब से अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, असेंडेंट अरेज कर रहा है कैप्रिकन, मकर राशि, मकर लग्न अरेज कर रहा है और मीन राशि अरेज कर रहा है. तो मकर लग्न कैप्रिकन असेंडेंट में सटन वन हाउस में है, पर रिट्रोग्रेड है, एंड इट इज टू एस्पेक्टेड बाय सन एंड मर्कुरी. सो सन जो यहाँ पर दृष्टि दे रहा है सटन को, तो इससे क्या होगा कि सटन एज असेंडेंट लॉर्ड इन द वन हाउस, इट विल कन्फर यू ए बेटर फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल इम्यूनिटी. सो हमारे लोगों का जो फिजिकल इम्यूनिटी है वह बढ़ता रहेगा, ये शो कर रहा है सटन इन द वन हाउस. बट सन सूर्य जो अभी सटन के ऑपोजिशन में है और एट्थ लॉर्ड है, वो डेथ रेट फिर भी जारी रहेगा. मतलब डेथ रेट कम नहीं होगा, फिर भी डेथ रेट रहेगा. ओके, इस साल का एंड होते होते डेथ रेट थोड़ा कम हो जाएगा, पर डेथ रेट पूरा जीरो नहीं होगा. ओके, और जो मैं देख पा रहा हूँ कि मर्कुरी नाइन्थ लॉर्ड होके सन के साथ है, पर वो कम्बस्ट है. मर्कुरी जो है अभी सन है 11, दग्ध हो गया है. Okay. सन है 11 डिग्री पर और मर्कुरी है 6 डिग्री पर. तो डिफरेंस 5 डिग्रीज. सो मर्कुरी इज कम्बस्ट हियर. मर्कुरी का कम्बर्सन की वजह से जो हमारा स्पिरिचुअल हेल्प जो मिलने वाला था हमें ये पैंडेमिक से बचने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है हमें मर्कुरी कम्बस्ट होने की वजह से. और लग रहा है मर्कुरी कम्बस्ट किससे हुआ है, सन से, मृत्यु के अधिपति से. तो इससे मालूम पड़ रहा है कि ये भगवान का भी एक, मतलब स्पिरिचुअल नेगेटिव इन्फ्लुएंस इज गोइंग ऑन. सो ओवरऑली देखने से ये पता चलता है कि जो अगले साल आने वाला है, हालांकि हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ता रहेगा सटन वन हाउस के वजह से, पर डेथ रेट फिर भी जारी रहेगा. और बाकी के हिसाब से टोटल रिट्रोग्रेशन का ये स्ट्रेंथ होता है कि सटन एनी प्लैनेट पराशर के हिसाब से, एनी प्लैनेट रिट्रोग्रेड बिकम्स स्ट्रॉन्गर. सो सटन मच मोर स्ट्रॉन्गर इन द एसेंडेंट, रिट्रोग्रेड चेष्टा बल युक्त ग्रह. आप क्या जानते हैं चेष्टा बल मीन्स? चेष्टा करने से आप इसमें से उभर सकते हैं. सटन इन रिट्रोग्रेशन इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू पराशर, चेष्टा बल युक्त ग्रह मीन्स चेष्टा करने से, मतलब खुद का जो प्रयास से आप इसमें से बच सकते हैं. मतलब ठीक टाइम से अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आप बच सकते हैं. ऑलरेडी इसीलिए कहा गया है कि मास्क पहने, हाथ धोएं, और वैक्सीनेशंस तो चल ही रही हैं जी. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्टिल ये जो हम लोग एक साल का एक टाइम स्पैन लिए हैं, तो उस टाइम स्पैन में ये स्टिल कंटिन्यू करेगा, पर हमारे चेष्टा से, जो कि ऑलरेडी हमारी सरकार भी बोल रही है कि हम
हाथ धोएं, क्लीन रखें, तो ये सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। और ऑलरेडी वैक्सीनेशन तो चल रही है, हम लोग ने भी वैक्सीनेटेड हैं हम लोग। सो इस एक साल में हम लोग को कॉन्शियस रहना है तो ओवरऑल कहा जाए तो। अच्छा, इसके चलते कोरोना के वजह से, कोविड की वजह से बहुत लोगों के ऊपर इसकी मार झेली है लोगों ने। इकोनॉमिकली भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इसके चलते, बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। आपके हिसाब से अभी क्या दिखा रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस सारे थ्रू आउट वर्ल्ड क्या रहेगी? टोटल वर्ल्ड के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो ये जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी होरारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये निकला है, तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन देखने से ये पता चलता है सेकेंड लॉर्ड सैटर्न वही जो असेंडेंट लॉर्ड है वही सेकेंड लॉर्ड है, इम्प्लाई दैट हेल्थ एंड फाइनेंस आर इंटरलिंक्ड नाउ। बट जुपिटर इन द सेकेंड हाउस, बृहस्पति जो द्वितीय भाव में धन भाव में है, ये सूचना दे रहा है कि जितना हम सोच रहे हैं, जितना फाइनेंशियल डिजास्टर हम सोच रहे होने वाला था उतना नहीं होगा। क्यों? ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये सब मिस्टिकल चीज़ें हैं, जुपिटर सेकेंड हाउस में है। तो जितना होने वाला था फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो नहीं होगा यहाँ पर, कि यहाँ तक कि इंडिया में भी इतना फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं आएगा जितना आने वाला था, और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इतना गिरावट भी नहीं आएगी, और जुपिटर की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहेगा। और ओवरऑली वीनस और मार्स भी सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, वीनस और मार्स एक साथ है, योग का रख है मकर लग्न के लिए, ये फाइनेंस कंडीशन को भी बूस्ट कर रहे हैं। पर दोनों वीनस और मार्स जो एट्थ हाउस में है, हाउस ऑफ डेथ में वह भी है, ये सूचना दे रहे हैं कि देखिए टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में, मंगल फोर्थ लॉर्ड होके एट्थ हाउस में, मतलब घर का, मतलब देश का अभी हालत ठीक नहीं है किसी भी देश का। और टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में, टेंथ लॉर्ड मतलब प्रोफेशन, और लोगों का प्रोफेशन काम धंधा भी ठीक ठाक नहीं है, जो कि अभी सूचना दे रहा है एट्थ हाउस में वीनस एंड मार्स। पर ये शुक्र और मंगल अष्टम भाव में तो है, पर योग में है, राजयोग में है। तो ये एक राजयोग, क्या आप देखे होंगे जितना भी जिस देश ने जितना प्रॉब्लम्स झेला है वो उतना ही उभर कर आगे आया है, उतने ही स्ट्रॉन्गर हो गया है। और आज जो आपने देखा होगा जापान को, इतना कुछ झेलने के बाद, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह के बारे में आप जानते होंगे, इतना कुछ झेलने के बाद भी वो इतना उभर कर आया है, इतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन उसका है सब क्षेत्र में। आज तो आप देख रहे होंगे ओलंपिक में भी काफ़ी अच्छे पोजीशन में है जापान। तो ये सभी क्या सूचना दे रहा है, जितना जो प्रॉब्लम्स, मनुष्य का ये आदत है कि जितना उसको थ्रेटन आएगा वो उतना ही उभर कर आएगा, इतना ही अच्छा होकर आएगा, उतना ही उसका एबिलिटीज जो होंगे वो दिखाई देंगे। तो अभी क्या है कि शुक्र और मंगल जो राजयोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एट्थ हाउस में, ड्रास्टिक नेगेटिव हाउस में, तो ये सूचना दे रहे हैं कि इंसान उभरेगा इस प्रॉब्लम से तो उभरेगा, और इतना अच्छा मतलब निकल कर आएगा कि उसका कंडीशन पहले से बेहतर हो जाएगा। जैसा कि लोगों ने सोचा है कि हमारा कंडीशन, काम धंधा तो सब बंद हो गया था, अभी शुरू हो रहा है, क्या होगा पता नहीं फाइनेंशियल कंडीशन, पर ऐसा नहीं होगा। लोगों को प्रॉब्लम झेलना अभी आदत हो गई है, और प्रॉब्लम को किस तरह झेला जाए और कैसे उसको उसके उसको उभर कर आए, ओवरकम करके आए, तो एस्केप टू विक्ट्री, मतलब इसको एस्केप कर जाएंगे और हमें बहुत बड़ा विक्ट्री मिलेगा, यही सूचना दे रहा है। तो ये तो आर्थिक स्थिति के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया, और मैं अगर पूछूं कि पॉलिटिकल राजनीतिक हलचल क्या होगी थ्रू आउट वर्ल्ड, ये एक साल के जो स्पैन हम लोग ने लिया उसमें क्या होगा, क्या हलचल होगी राजनीतिक क्षेत्र में? हम देखने से फिफ्थ हाउस जो है वीनस वो एट्थ हाउस में है, वो भी हर एक राजनीतिक नेता अभी व्यस्त है ये डेथ रेट को लेकर। हर किसी कंट्री में डेथ रेट इतना हाई रह रहा है कि बल्कि हमारा इंडिया में थोड़ा डेथ रेट अभी कम है। कम है,
पर बड़े बड़े कंट्रियों में ज़्यादा डेथ रेट है, तो ये सूचना दे रहा है कि पॉलिटिकल अफेयर्स भी अभी ये डिजीज से, ये पैंडेमिक से जुड़ा हुआ है। हाँ। और ये सब मुद्दे सेकेंडरी हो जा रहे हैं। हाँ, अभी सभी जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वो इतना मायने नहीं रखते अभी, तो सभी मिट गए हैं, माने मृत्यु के सामने, डेथ के सामने सभी मिट गए हैं। तो इस साल में हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकली फाइट्स कम होने लगेगा और लोग ज़्यादा सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे, जो एक अच्छा निशानी है कि इंसान फिर से ये प्रॉब्लम से उभरेगा। तो हमने सभी एस्पेक्ट के ऊपर टटोल लिया, जज कर लिया, देख लिया और आपको बताया भी। अगर मैं बोलूं कि ये एक साल ओवरऑल टोटल अगर आप देखें तो स्थिति कैसी है, अगर हम लोग वाइंड अप करने के टाइम में पूछ लें कि टोटल एक साल कैसा रहेगा वर्ल्ड के लिए। जिस टाइम में क्वेश्चन किया गया है उसके हिसाब से जी, अगर देखा जाए तो ओवरऑल शनि वन हाउस में है, एक वन हाउस प्लैनेट जैसा स्ट्रेंथ में रहता है आप जानते हैं, तो रिट्रोग्रेशन उसके साथ भी है। ये सूचना दे रहा है कि फ्यूचर हमारा अच्छा है, ये सब प्रॉब्लम्स के, ये पैंडेमिक के थ्रू हम जा रहे हैं, पैंडेमिक इतने जल्दी एंड भी नहीं होगा ये भी दिखा रहा है। अभी शनि की महादशा भी चल रहा है और हम बाकी सब प्रेडिक्शन प्रेडिक्टिव वे में भी हमने देखा था कि ये जो पैंडेमिक है ये लगा रहेगा लगातार 2023 तक, 23 के बाद ये धीरे धीरे पूरा पृथ्वी से निकल जाएगा। तो लग रहा है कि तब तक हमारा वैक्सीनेशन प्रोसेस अच्छा हो जाएगा और हम अगर 50-60% भी वैक्सीनेटेड हो गए तो भी काफी, तो हाँ ये स्ट्रिंग टूट जाएगा और हम उभर जाएंगे इससे जी। तो व्यूअर्स, मैं इतना आपको बताऊंगी कि ये सिर्फ टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन के लिए, आप ही से पूछा गया था और हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर डिस्कशन चाहिए, चाहे वो तिरुपति मंदिर के बारे में हो, जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में, या किसी कल्चर के ऊपर, सिविलाइजेशन के ऊपर, एनी कोई भी, इवन घोस्टली अफेयर हो रहा है कहीं पर, कुछ ऐसा हो रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी मुद्दे के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और उसी टॉपिक को लेके यहाँ पे हम डिस्कशन भी करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपके लिए है, आपके ही ऊपर फोकस करते हुए हम लोग एक और एक सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं इसी चैनल के ही अंतर्गत। रविवार के दिन हम आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नीचे गए दिए गए नंबर पे, यानी कि 9437020474 नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग आपका कोई भी दो प्रॉब्लम्स के साथ उसको आप हमें भेजेगा और उसी विषय पे, उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, थ्रू टैरट कार्ड देखेंगे, थ्रू एस्ट्रोलॉजी देखेंगे और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसका भी आपको रिमेडी बताएंगे। तो वो हर रविवार को होगा और प्रोग्राम शूट क्योंकि उससे पहले हो जाएगा, इसलिए आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हर हफ्ते में बुधवार गुरुवार के अंदर अंदर आप अपने जो डिटेल्स है वो सबमिट कर दीजिएगा, जो नंबर हम लोग ने यहाँ पे फ्लैश किया और लिंक में भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो समय हो गया है, हमें यहीं पे विदाई दीजिए, बाय बाय।